अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। मैं अब्दुल समद, आप देख रहे हो मेरा चैनल बहुत GFX। तो आज का जो है मैं ट्यूटोरियल लेके आया हूँ न्यू वीडियोस की, ये है वेक्टर ई स्पोर्ट गेमिंग लोगो के बारे में। मैं आपको बताऊँगा कैसे बनाना है। तो वैसे तो मैंने ये फ़िलहाल पहले से तैयार करके रखा हुआ है, तो इसके साथ जो है मैं आपको वो चीज़ बताऊँगा जो मैंने पहले पिछले बनाई है। तो सबसे पहले आपको फाइल में जाना है, फोटोशॉप तो आप पहले खोल लो। तो उसके बाद आप जब फाइल में जाओगे तो यहाँ न्यू आएगा, न्यू आपने करा तो ये सेम वही सेटिंग है, ये आप देख लो सेटिंग, ये A4 आ गया और ये वाइट है, ये 300 रखना है हमको, सही है। अच्छा, 300 के साथ ये कि इंटरनेशनल पेपर में ही आएगा। आप ये नहीं करना कि अगर US पेपर है तो आप US पेपर में चले गए, तो ये सही नहीं रहेगा। आप इंटरनेशनल में जाओ, यहाँ यहाँ से आपने A4 ले लिया, सही है, और ये 300 होना चाहिए। बाकी आप वाइट वगैरह अगर आपको ट्रांसपेरेंट करना है तो आप ये कर लेना, सही है, वो कोई मसला नहीं होता। तो उसको हम करते हैं ओके, ये खुल गया न्यू, सही है। अब हम जाएंगे, हमें सेम वैसे ही करना है जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको साइज को क्रॉप, लेकिन इस बार हम करेंगे 1x1 स्क्वायर में। तो ये साइज लेके हम कर देंगे इंटर, सही है। इस तरह आपको साइज बनाना है, तो ये तो आपने साइज बना लिया। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ क्योंकि सारा काम मुझे जो है इसमें करना है। ये गाइडलाइन वगैरह जो है मैंने यहाँ से करी है, यहाँ से खोली है, ये आप कंट्रोल R दबाओगे तो चले जाएगी, कंट्रोल R दबाओगे तो ये दोबारा आ जाएंगी, ठीक है। ये यहाँ से खींच के इसको ले आते हैं ऐसे, इसको अभी हम बंद कर देते हैं। तो ये ब्लैक बैकग्राउंड मैंने लिया हुआ है, सही है, ये हमारा करेक्टर आ गया जो हम लोगों के साथ यूज़ करेंगे। बाकी इसको अभी फिलहाल मैं ग्रुप में डाल देता हूँ क्योंकि मेरे किसी काम का नहीं है, बुझा दो उसको और उसको ही बुझा। ये मेरी लिंक है, वो ये बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये हमारा करेक्टर आ गया, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ये हमने कर लिया कॉपी। अब इसको हम करेंगे कंट्रोल T, सही है, ये कंट्रोल T कर लिया। अगर आपको नहीं समझ में आया यहाँ से तो ये आएगा यहाँ से कंट्रोल T, देखिए कंट्रोल T लिखा है फ्री ट्रांसफॉर्म, ये हमने क्लिक किया इस पर। अब ये इसको हम कर लेंगे थोड़ा सा छोटा, नहीं, हमको तो पीछे बैकग्राउंड के लिए चाहिए, 1 मिनट। तो नीचे वाले को सिलेक्ट करते हैं हम, तो करेंगे कंट्रोल T, इसको हम कर देंगे पीछे से बड़ा, सही है, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेंगे। आपको ज़रूरी नहीं कि मैं जैसे कर रहा हूँ सेंटर में, आप सेंटर में करो, आप साइड में करो, आपको यहाँ अच्छा लगे यहाँ कर लेना, इधर करे इधर अच्छा लगे तो इधर कर लेना, सही है। ये मैंने इतना बड़ा कर लिया इसको अपने साइज के हिसाब से जैसा मुझे चाहिए। अब हम कर लेते हैं इसको कंट्रोल, नहीं, उसको एंटर कर दिया हमने, सही है। अच्छा, ये है स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है ये, तो आपको कन्वर्ट करने की अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं। अब हम इसको करेंगे यहाँ से ब्लर में जाएंगे, ब्लर में जाके गॉशियन ब्लर ये हमने करा, इसको हमने 10 रखना है, सही है, ज़्यादा ब्लर नहीं करना, वरना आप चाहो तो यहाँ से 15 भी कर सकते हो। चलो हम 15 कर लेते हैं, तो ओके, ये 15 हो गया। अब हम यहाँ से इसकी ओपासिटी कम कर लेंगे, मैं इसकी ओपासिटी 50 करके देखता हूँ, 50 तो बहुत कम हो जाएगी, हम इसको ज़रा सा करेंगे 72, 72 या 75 आप कर सकते हो, ये सही है, 72, सही है। अब इसके बाद अभी तो हमें इसको छेड़ना है, इसको ज़रा सा हम करेंगे कंट्रोल T, इसको भी हम करेंगे कंट्रोल T। करने के बाद हम इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे क्योंकि हमें जो है इसका नीचे टैक्स भी लिखना है ना, तो इसलिए हम इसको छोटा करेंगे, अब इसको ऊपर ले जाएंगे। ये मैं बटन से कर रहा हूँ, ठीक है, ये कीबोर्ड के जो बटन होते हैं अप डाउन वाले, उससे मैं ऊपर अप डाउन कर रहा हूँ, ये लेफ्ट राइट हो गया, सही है। एक मिनट, मुझसे शायद एक गलती हो गई, तो मैं इसको दोबारा से कंट्रोल T करूँगा, ओके, नहीं, अच्छा है, तो पीछे वाला हो रहा है, एक मिनट, तो ये वाला करेंगे ना, ये आ गया कंट्रोल T। अब जो है कंट्रोल T करने के साथ जो है हम इसको थोड़ा छोटा करेंगे, ये हमने कर लिया इस तरह छोटा। तो अच्छा, इसमें फ़ायदा ये है स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कि आप जो है अगर इसको छोटा बड़ा भी करोगे इसके पिक्सल नहीं फटेंगे, आपकी चीज़ जैसी है वैसी रहेगी क्योंकि स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। ये आ गया हमारा करेक्टर, सही है। अब हमको जो है थोड़ा इफेक्ट लेके आना है, तो हम जाएंगे बैक, मैं ये इफेक्ट लेके यूज़ कर रहा हूँ, सही है, इसको आप मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको हम लेके आ जाते हैं। अच्छा, हमने जो इसको ड्रैग किया है नीचे वाले को सिलेक्ट करके फिर हम ड्रैग करेंगे, सही है ना,
कभी आप ऊपर वाले को कर लो, वैसे मैं आपको बता दूंगा अभी। अच्छा, इसको हम पहले स्क्रीन कर लेते हैं। ये स्क्रीन हमने कर लिया, ये आ गया, बहुत अच्छा लुक आ गया इसका। तो इसको थोड़ा सा जैसा जैसा आपको सही लगे, आप छोटा करो या बड़ा करो उसको, जैसा आपको सही लगे उसके हिसाब से आप जो है अपने जो है इस PNG को जो है अपने हिसाब से आप सेट कर लेना, इस इफेक्ट को इसको। अच्छा, तो ये हो गया प्लेस, ये हो गया, सही है। अच्छा, आप ये देख रहे हो ये निशान जो आ रहा है छोटा सा, ये भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, अगर हम इसको रिसाइज करेंगे तो ये हट जाएगा, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है अभी, हो सकता है इसकी आगे हमें ज़रूरत पड़े, तो इसलिए आप इसको ऐसे ही रहने दो। तो अभी हम दोबारा से जाएंगे। अच्छा, अगर हम इसको सेलेक्ट करके फिर ड्रैग करेंगे तो ये फाइल जो है ऊपर आ जाएगी, सही है इधर। तो हमें इसको क्या करना है, यहाँ से इसको पकड़ना है और नीचे कर देना है ऐसे, ठीक है। मैंने इसलिए बता दिया, कभी आप परेशान हो जाओ कि बोले यार ये क्या हो गया। वैसे जिसको आता है फोटोशॉप वो तो कर सकता है, उसके लिए मुश्किल नहीं है। और इसको ये हमने स्मोक लगा दिया, ये हम यहाँ रख लेते हैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके, और इसको भी हम ज़रा सा जो है इसे सेट कर लेते हैं। मैं इसको 50 रखता हूँ यहाँ पे, 50 सही, ज़्यादा नहीं। अच्छा, इसको ज़रा सा हम और सही कर लेते हैं ताकि नज़र तो आए, जैसे इसका इफेक्ट जो है बाद में नज़र आएगा, हमें अभी नज़र नहीं आएगा। अब हम पहले क्या करेंगे, इसको जो है इसका हम टेक्स्ट बना लेंगे। मैं आपको बताता हूँ टेक्स्ट कैसे बनाना है। हमने ऐसे इसको बना दिया, इसके अंदर हम जो है मैं आपको बता दूंगा कौन सा वाला टैग है, ये हमने ले लिया। यहाँ पे हम इसका नाम लिखेंगे हैकर, सही, ये हैकर आ गया। अब हम इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। अब आपको ये वाला टूल लेना है, सही ना, एरो आपने ले लिया यहाँ से, इसको हम करेंगे Ctrl T, क्योंकि अगर हम टैक्स वाले टूल को लेके Ctrl T करेंगे तो वो कुछ और हो जाएगा, वो आएगा तो सही ट्रांसफॉर्म में, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये अगर हमने ऐसे किया ना Ctrl T, तो ये ऑप्शन खुल जाएंगे, इसमें भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं फ़ॉन्ट को, लेकिन मैं यहाँ से नहीं कर रहा, मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ये इसको हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ से करके Ctrl T मैंने किया, फिर जाके आ रहा है, ठीक है। ये हैकर, हैकर की स्पेलिंग सही लिखी है ना, आप देख लो, अगर सही नहीं लिखी तो कमेंट में ज़रूर बताना। ये हमने इसको थोड़ा सा लार्ज कर लिया अपने हिसाब से, आपको जैसा सही लगे। ये मैंने गाइडलाइन जो है बैलेंस के लिए रखी हुई है, सही है ना। तो हम लोग यहाँ से अभी गाइडलाइन खोलेंगे, इतना रखते हैं, और एक और गाइडलाइन ऊपर से ले लेंगे, ये नीचे आ गई, सही है। अब हमें इसको भी ट्रांसफॉर्म करना है, तो इसको हम करेंगे Ctrl J, Ctrl J करेंगे तो कॉपी हो जाएगी, सही है। और अगर आप Ctrl J नहीं करना चाह रहे तो यहाँ से आप ड्रैग करोगे, ये डस्टबिन के बराबर में जो ये पेपर नज़र आ रहा है यहाँ से हो जाएगा कॉपी, सही ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, और यहाँ से आप न्यू लेयर भी खोल सकते हो। तो मैंने न्यू लेयर खोल ली। अब हम Ctrl दबा के इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, और Ctrl दबा हुआ है अभी मेरा, सही, तो Ctrl E दबाया तो ये मर्ज हो गया, इसको हम बता देते हैं, ये देखो ये मर्ज हो गया, सही है। तो अब हमें इस टेक्स को बनाना है ना, उसको हम बनाएंगे। थोड़ा सा Ctrl+ मैंने करा है, ये सब जूम हो गया, और इसको हम करेंगे डिस्टॉर्ट, एडिट में गए ट्रांसफॉर्म, यहाँ से गए डिस्टॉर्ट, सही है, ये आपने देख ली। अब हम दबाएंगे Ctrl, Ctrl के बगैर ही चल रहा है, तो यहाँ तक ले आते हैं इसको, सही, ये यहाँ तक ले आए। इसको भी हम जो है ज़रा सा खिसका के, कितने लेते हैं, नहीं इतने लेते हैं, ये गाइडलाइन आप देख लो खुद, मैंने इसलिए बनाई है ये ताकि बैलेंस रहे। ये हल्का हल्का सा रेड आ रहा है ना, ये आ गया रेड, बैलेंस हो गई, थोड़ा सा इधर खिसकाऊंगा, थोड़ा सा ये आ गया। अब यहाँ ग्रीन ग्रीन है पट्टी जो है इसकी, ये अभी बैलेंस नहीं है, तो यहाँ हम जाएंगे इसको, ये हल्का हल्का आया, इसको पकड़ के, ये आ गया रेड, अभी हो गया डन हमारा। इसको तो फिलहाल अभी हम इतना करते हैं। अच्छा, तो अब हम दोबारा Ctrl D करते हैं, इसको हम करेंगे, अरे चल भाई निकल। अब हम इसको करेंगे यहाँ से ट्रांसफॉर्म डिस्टॉर्ट। अब हम यहाँ से इसको थोड़ा डिस्टॉर्ट करना है ना हमको, यहाँ से हम ले जाएंगे नीचे की तरफ ऐसे, ये ऐसे ले जाएंगे,
थोड़ा जूम करके आपको बता रहा था ताकि आपको परेशानी हो, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें, मुझे दोबारा करना पड़ेगा, एक मिनट पीछे जाता हूँ। अच्छा, ये मुझसे अभी गलती हुई है, तो ये गलती करने के लिए मैं दबाऊंगा कंट्रोल आर्ट और जेड, कंट्रोल आर्ट और जी, सही है, ये मैंने दबाया, ये हिस्ट्री, ये आप यहाँ से खुद देख सकते हो, सही है, ये मैं इतना रखता हूँ, ये मर्ज। अब मैं यहाँ से करूँगा इसको कंट्रोल कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कन्वर्ट टू स्मार्ट, ये देखो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब मैंने ये क्यों किया है, क्योंकि मुझे कहीं शक हो रहा था कि मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा था ना, तो इसके हल्के हल्के छोटे छोटे पिक्सल आ रहे थे, तो इसकी वजह से जो है मुझे थोड़ी परेशानी हो रही थी, मुझे सही नहीं लग रहा था ये, क्योंकि मैं बाद में इसको मर्ज कर लेता ना तो ये ब्लर हो रहा था हल्का हल्का, क्योंकि पिक्सल आ रहे थे। तो अब मैं इसको डिस्टॉर्ट करता हूँ, अब हम इसको वही चीज़ करेंगे जैसे पहले कर रहे थे, इसको हम थोड़ा सा इधर खिसका लेते हैं, अब बैलेंस थोड़ा सा सही, कंट्रोल डी, यहाँ से हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म डिस्टॉर्ट, अब हम इसको करेंगे यहाँ से इतना लार्ज करेंगे, हमने यहाँ पे रखा है इसका किनारा एक, और अब हम रखेंगे इसको यहाँ पे, देख लो अभी मैं जितने जितनी लाइन पे मैं कर रहा हूँ उतनी लाइन पे करना, बाकी अगर नहीं आपको समझ में आया तो आप नेट पर बहुत सारे टैक्स मिलते हैं, वहाँ से भी ऐसा एक जो है इसके डाउनलोड कर सकते हो इसके टैक्स। देखो ये बिल्कुल परफेक्ट आई है, रेड लाइन सी आ रही है हल्की हल्की, ये हल्की हल्की रेड लाइन सी आ रही है, परफेक्ट हो गया हमारा। अच्छा, ये अभी छोटे छोटे पिक्सल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने अभी इसको ओके नहीं करा, ओके करूँगा तो बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे, क्योंकि स्मार्ट ऑब्जेक्ट हुआ है हमारा। अब हम इसको नीचे ऐसे कर लेंगे जैसे मैं पहले कर रहा था, ये हमने कर लिया, इस कोने से भी हम इसको यहाँ जोड़ देंगे, सही है, जैसे कि ये कोने पे यहाँ से हमें जोड़ना है, ये आया रेड आ गया, देखा आपने, और गाइडलाइन की वजह से थोड़ा सा परेशानी होती है, ये गाइडलाइन है ना उसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी होती है, से मैंने ये आया रेड, ये आ गया पूरी पट्टी रेड आ गई इसकी, मैं करूँगा इंटर, आप इंटर भी कर सकते हो, डबल क्लिक भी कर सकते हो, इसको थोड़ा सा इधर मैंने खिसकाया क्योंकि यहाँ से बैलेंस थोड़ा सा आउट हो रहा था, तो थोड़ा सा इधर से खिसकाना है, ठीक है। अब हम इसको करेंगे कंट्रोल एस, कंट्रोल एस करेंगे सेव हो जाएगी, सही है सेव हो गई, आपने देख लिया, मैंने सेव इसलिए कर दिया क्योंकि कुछ पता नहीं भाई लाइट का, अगर लाइट चले जाए तो फिर परेशानी भी होती है, वो तो आपको पता ही है। तो अब मैं यहाँ से इसको न्यू लेयर करता हूँ, इस न्यू लेयर पे मैं इसको नीचे ले आता हूँ क्योंकि हमारा टैग जो है ये ऊपर है, अब हमें इधर काम करना है। ये आपने लिया पेन, अब पेन टूल से हम इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से क्लिक किया आपने और एक यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया आपने, ये स्ट्रेट लाइन आ गई, सही, और एक क्लिक करना है आपको यहाँ पे इस कोने पे, एक क्लिक करना है आपको, एक मिनट क्लिक आ रहा है, ये आ रहा, ये यहाँ पे आ गया, और बाकी क्लिक जो है ये एंड का हमारा यहाँ आ गया, ये मैंने टेक्स्ट के हिसाब से बना लिया। उसको मैं करूँगा मेक सिलेक्शन, ये जीरो रखना है, वन नहीं रखना, ओके ओके करने के बाद जो है मैं करूँगा यह हमारा शिफ्ट, कंट्रोल के ऊपर शिफ्ट है, शिफ्ट और F5 ये हम दबाएंगे, नहीं नहीं एक मिनट, ये कंट्रोल F5 ये आ गया। अब हम जाएंगे यहाँ कलर, कलर लेंगे, कलर हमारा आएगा ब्लैक, इसके ऊपर कर लेते हैं ब्लैक ही होगा, ओके ये आ गया ओके, सही है। अब हम करेंगे कंट्रोल डी, ये डी सेलेक्ट हो जाएगा, अब इसको हम थोड़ा सा अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं। अच्छा, ये अभी अप डाउन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने पेन टूल लिया, हम ये सिलेक्ट टूल लेंगे तो देखिए ये अप डाउन होने लगा हमारा। अब हम इसी को लेके हम कंट्रोल टी करेंगे क्योंकि हमें थोड़ा टेक्स्ट के हिसाब से लार्ज करना है ना, वरना तो हम टेक्स्ट को भी छोटा कर सकते हैं लेकिन हमें इसको लार्ज करना है, हम टेक्स्ट को क्यों छोड़ें, हम टेक्स्ट को क्यों छेड़ें, इसको भी छोटा करना पड़ेगा,
थोड़ा सा इधर करना है, या थोड़ा सा इधर, ओके हो गया। अच्छा अब हम टैक्स हमने लिया और कंट्रोल टी करा, थोड़ा सा छोटा कर लिया हमने, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा छोटा कर लिया। अच्छा अगर आपको यहाँ से अजीब लग रहा है तो इसके लिए ये है कि आप यहाँ से कंट्रोल या आप शिफ्ट और आल दबाओगे ना, तो दबा के रखना आपको, या आप दबा के रखोगे इसको छोटा करोगे ये एक जैसा आएगा, छोटा बड़ा होगा, वरना अगर आप इन दोनों को छोड़ोगे तो अजीब सा हो जाएगा, ये छोटा बड़ा चपटा मोटा ये इस तरह होता रहेगा। तो अभी मैंने इन दोनों का दबा के रखा और मैं यहाँ से खिसका हुआ इसको, यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा किया, ये देखिए ये आ गया ना रिजल्ट। अब मैं इसको करूँगा इंटर, ये मैंने इंटर कर दिया, थोड़ा सा इसको इस तरह प्लस खिसकाऊंगा, थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ये हो गया हमारा डन, उसको कंट्रोल सेव कर लेते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये मैंने सेव करने के बाद थोड़ा सा आया कैसा है, देखो देखिए ये ऐसा आया, सही है। टेक्स्ट को थोड़ा सा ऊपर करेंगे जैसे किनारे हैं ये भी सही हो जाएं, सही है। तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे बस, ज़्यादा नहीं, वैसे तो आप अपने हिसाब से रख लेना जो आपको सही लगे, क्योंकि ये मैं अपने स्टाइल से बना रहा हूँ, आप जो है जो अपने स्टाइल से बनाओगे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो आप मुझे, मेरा जो ग्रुप है एडिटिंग के लवर्स के नाम से, अगर मुझे मौका मिले तो उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उधर भी अपना काम मुझे दिखा सकते हो, वरना आप मेरे अकाउंट नंबर जो है, मेरा जो नंबर है व्हाट्सएप का, तो आप उधर भी मुझे दिखा सकते हो, और अगर कोई पूछना हो कुछ, पूछना हो कुछ भी इसके बारे में, एडिटिंग डिजाइनिंग फोटोशॉप के बारे में कुछ भी पूछना हो, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप पूछ सकते हो, वरना मेरा फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी भी है, तो आप वहाँ पर भी जाके मेरा काम देख सकते हो और उससे भी कुछ आइडिया ले सकते हो, क्योंकि हो सकता है बहुत से लोगों को नहीं पता हो, जो आइडिया लेना चाह रहे हैं आप ले सकते हो वहाँ से आइडिया, सही है ना। और बाकी ये है कि अभी मैं फ़िलहाल इसको खोलूँगा, नहीं तो कुछ भी नहीं, ये हैं मेरे कुछ इफेक्ट बने हुए, तो ये मैंने पहले टेक्स्ट में बनाया था जो मैंने ग्रुप में भी सेंड करी थी, तो इसका इफेक्ट मैं आपको डाल दूंगा, इसको हम करेंगे कॉपी लेयर, कॉपी लेयर करने के बाद जो है हम जाएंगे, ये हमारा टेक्स्ट था ना यही था, इसको हम करेंगे कंट्रोल जे, इसके ऊपर नहीं हमें करना है इफेक्ट, अब हम करेंगे इसके ऊपर, इसको राइट क्लिक करें कम पेस्ट, पेस्ट लेयर स्टाइल, ये देखिए ये आ गया, ये इफेक्ट आ गया हमारा, सही है देख लो। अच्छा मैंने पिछली बार जो शायद ये इफेक्ट नहीं खोला था, तो मैं इसमें खोल देता हूँ, अच्छा लग रहा है ये वाला। बाकी ड्रॉप शैडो की तो हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड ब्लैक है, तो ड्रॉप शैडो की क्या ज़रूरत। दूसरी बात ये है कि इसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, अच्छा नहीं इसको छोड़ो, कलर कुछ खेलते हैं ना कलर, क्योंकि मुझे येलो अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको ज़रा ग्रे सा लूंगा, ग्रे कलर, ग्रे ग्रे ये कलर, ये बहुत सही। आप मतलब अपने तरफ अपने स्टाइल से अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो कलर ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ वही आप लो, ये ब्राउन जो आप शेड नज़र आ रहा है ये इसका कलर है, इसको थोड़ा सा डार्क ले लूँ, ये वाला लेते हैं सबसे आखिर वाला, ये आ गया। बाकी इसका भी हम थोड़ा चेंज करते हैं कलर, लाइट ले लेते हैं थोड़ा, ये कलर सही है, ओके। अच्छा अब जो हमने पीछे का बैकग्राउंड बनाया हमें उसको थोड़ा सा ग्लो करना है, तो आपका जो है ये आया रासर ब्लेंडिंग ऑप्शन, सही है। अब यहाँ से हम गए अपना स्ट्रोक में, स्ट्रोक में जाने के बाद यहाँ पे हमें कलर लेना है, अब मुझे जो है इसका बैकग्राउंड में पर्पल कलर अच्छा लग रहा है, तो ये कलर ले लेते हैं, कलर ट्राई करते हैं कैसा आ रहा है, लो ये देखिए ये ऐसा आएगा, नज़र आ रहा है। चलो मैं लाइट कलर ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र तो आए, ये ब्लू कलर अच्छा लग रहा है मुझे, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखिए अब नज़र आ रहा है आपको, ये 25 लिखा हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा कम करूँगा, 20 करके देखते हैं, 20 अच्छा। अच्छा ये अभी थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि किनारे इसके गोल हैं,
गोल नहीं करना है हमको, हम इंसर्ट करते हैं, ये आ गया, देखिए आप लुक देखिए आ गया। अच्छा अब हमें 20 नहीं करना, हम 15 करते हैं, 15 कर सकते हैं, वरना आप 17 भी कर सकते हैं, 17 में अच्छा लग रहा है। हम यहाँ से करेंगे ओके, ये आ गया, कंट्रोल एस सेव, तो ये तो आ गया हमारा टेक्स्ट, बन गया हमारा। अच्छा हम थोड़ा सा इसको नहीं रहने देते हैं, टेक्स्ट को अगर हम चाहें छेड़ सकते हैं, चलो टेक्स्ट को हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि मुझे अभी भी शक हो रहा है नीचे ये लग ना रहा हो अब सही है, ये गाइडलाइन की वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा, गाइडलाइन को मैं ख़त्म भी नहीं कर सकता इस टाइम, क्योंकि मुझे आप लोगों को समझाना जो है। अच्छा एक और चीज़, अभी एक और चीज़ बाकी है, आप बोलोगे वो क्या चीज़, मैं ये वाला इफेक्ट यूज़ करूँगा, ये बर्न इफेक्ट है, ये बहुत अच्छा मतलब इफेक्ट लगता है, तो ये आपने क्लिक कर लिया। अच्छा करना है क्या है, आप गए फोल्डर में और आपने क्या करना है, सीधा सीधा ड्रैग यहीं करना है, मतलब यहाँ नहीं करना, इधर नहीं करना, इधर करोगे तो ये तो तस्वीर इधर फोटो यहाँ पे खुल जाएगी अलग से, ओपन इमेज करोगे ना ये अलग से खुल जाएगी, हमें ये नहीं करना, हमें करना है यहाँ से गए और यहाँ से डायरेक्ट ड्रैग कर दिया हमने सीधा सीधा, ये कर दिया ओके, ये खुल गया बस, अब हम यहीं से इसको स्क्रीन कर देंगे ताकि हमें दोबारा कंट्रोल टी करने की ज़रूरत ही ना पड़े। अच्छा ये जो क्रॉस आ रहा है बना हुआ है, ये जब आता है जब ये आपकी फोटो जो है उसमें हो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में होगी ना तो उसका जो है अच्छा लुक आता है, पिक्सल नहीं आते, आप चाहे इसको स्मॉल करो छोटा करो लार्ज करो, छोटा बड़ा करने में स्मॉल, अच्छा ये हम एंटर कर देते हैं ना, ये आ गया एंटर हो गया। अच्छा अब हम इसको करते हैं कंट्रोल जे, मुझे एक और बनाना है इसका, इसको आपने यहीं से यहीं ऐसे खिसका दिया, ये आ गया लुक देखिए कितना प्यारा लुक आया है, थोड़ा सा ऊपर रखें ताकि इफेक्ट तो है फॉन्ट हमारा, हमारा जो टेक्स्ट है इसके ऊपर, मैं नीचे का भी आपको बता था कि नीचे क्या लिखना है, इधर जैसे मैंने अपने नाम लिखा था समर तौसीफ, इसके नीचे आता है गेमर, सही है गेमर आता है, आप अपने मर्जी से अपना नाम भी लिख सकते हो। अच्छा अभी हम दोनों काम करेंगे कंट्रोल ई, ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, ये हो गए। अब आप बोलोगे यार ये क्या हो गया, इसको नहीं करना आपको, आपको सीधा सीधा स्क्रीन करना है, ये देखिए। अच्छा अब ह्यू सैचुरेशन में मुझे ये रेड कलर जो आ रहे हैं ये अच्छे नहीं लग रहे, ये तो फायर वाला है। अच्छा एक और चीज़ ये मैं बताता हूँ, फायर वाला इसको हमें ख़त्म करना है, लेकिन ये जो मास्क टूल है ना हमें अभी मास्क करना है इसको, एड मास्क लेयर, ये हमने कर लिया। अब हम लेंगे ब्रश, यहाँ से ब्रश लिया, अब ब्रश में हम ब्लैक कलर लेंगे, ये लार्ज करके ब्रश जो है हम इसको थोड़ा थोड़ा सा मिटा देंगे, इससे हमें बहुत फ़ायदे हैं, मास्क करने से बहुत फ़ायदे होते हैं। ये ब्रश जो मैं छोटा बड़ा कर रहा हूँ आल्ट दबा के और माउस के राइट बटन को दबा के फिर छोटा बड़ा कर रहा हूँ, माउस को आगे पीछे कर रहा हूँ ना तो ये खुद ही छोटा बड़ा होगा, ठीक है ये हमारा रिमूव हो गया यहाँ तक। अब हम जाएंगे यहाँ से लेंगे ह्यू सैचुरेशन, ह्यू सैचुरेशन लेना है, यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे क्रिएट लेयर मास्क, ये इसके नीचे, अब हम जो भी कलर चेंज करेंगे वो उसी के होंगे, मैं इसको कलर चेंज करता हूँ, ये देखिए हो रहा है चेंज हुआ कलर, देखा ना आपने, तो मैं इसको थोड़ा सा पिंक सा लेता हूँ। अच्छा अगर मैं इसको ग्रीन लूँगा, वैसे तो ग्रीन भी अच्छा लग रहा है, ब्लू भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं पिंक लूँगा हल्का सा, इसको 25 पहले किया था ना वो ज़्यादा अच्छा था, 40 था कुछ, 46 था, 45, 43, ये सही था, ये हो गया, इसको हम कंट्रोल सेव तो करें पहले, यहाँ तक तो हमारा सही बन गया। अब हमें क्या करना है, एक मिनट, हमें अब जो है ये मैंने इफेक्ट पहले से बनाए हुए हैं, जैसे कि ये साइड में, एक मिनट ये क्या हो गया, जैसे ये साइड बार होता है ना, ये आप जो है बना सकते हो ऐसे, क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने ये टूल लेके इसको यहाँ से सर्कल लार्ज किया और जो है इसको इन्वर्ट में करके ब्लैक किया और ब्लर कर दिया, ये सीधा सीधा इफेक्ट आ गया, सही है। तो ये तो मैं फिलहाल अभी इतना बड़ा नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत, ये मैंने यहाँ से ब्लैक बार लिया और ये कुछ मैंने कलर सेट करे थे लेकिन ये अच्छे नहीं लगे थे, बाकी आप अपना कॉपीराइट डाल सकते हो, अपनी लिंक डाल सकते हो, जो भी है, सही है।
तो उसको हम कंट्रोल सेव करके देखते हैं क्या रिजल्ट आया। ठीक है, सेव हो गई। अब हम इसको देखते हैं, ये देखिए आ गया रिजल्ट। ये जो अभी टैक्स है ना, ये टैक्स सही से बना नहीं मुझसे, इसके असल में मुझसे कलर सही नहीं हुए। ये कलर मैं जब सेट करूंगा, जब आपको पता चलेगा, आप खुद बनाओगे ना, जब आपको सेट करना पड़ेगा ना, उसमें आप ज्यादा समझ आएगा। वैसे मुझे जो आइडिया देना था, मुझे जो आपको दिखाना था, वो ऐसे था, ये था कि इसको कैसे बनाना है। तो आप इस तरीके से इजी आप बना सकते हो। ये करेक्टर नहीं है तो आप कोई और करेक्टर यूज कर सकते हो उसके हिसाब से, जैसे कि आपको आपने डेंजर लिख लिया, या चैंपियन लिख लिया, या फाइटर लिख लिया। ये तो मैंने जैसे हैकर लिखा है इसकी जगह, सही ना। और नीचे आप अपना नाम भी लिख सकते हो, जैसे मैंने ये कॉपीराइट डाला हुआ है, लिंक डालिए, इसके ऊपर भी नाम आ सकते हैं। देखिए मैं सैंपल आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने ये बनाया था, सही है। यहाँ जैसे सुमत तौसीफ आ गया और ऊपर डार्क लीडर आ गया, इस तरीके से भी आप बना सकते हो। दूसरा ये है कि मैंने बहुत GFX जो अपना चैनल है उसका बनाया था, इसमें भी देखिए मैंने बनाया है। ये भी आप बना सकते हो खुद, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हो। लेकिन मेरा मकसद ये था कि मैं आपको ये बताना चाहता था कि ये गेमिंग लोगो जो है, ई स्पोर्ट लोगो है, बनाते कैसे। तो ईजी आपको समझ में आ गया होगा जैसे मैंने बताया। तो दूसरी बात ये है कि अगर आपको जो भी चाहिए हो, इसके करेक्टर, इसके जो बैकग्राउंड होते हैं, या और भी बैकग्राउंड लगते हैं बहुत, वो भी आपको मिल जाएंगे। वो मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा। विनडार की फाइल होगी, उसको आपको करेक्ट करना है। उसमें जो है पासवर्ड जो है वीडियो के अंदर लिखा हुआ जाएगा, वो आप देख लेना। फिर आप उसको, आप पहले उसको डाउनलोड कर लोगे ड्राइव से, फिर आप जब इसको विनडार से एक्सट्रैक्ट करोगे तो उसमें पासवर्ड आएगा डालने के लिए, वो आपको जो है इस वीडियो में मिल जाएगा, सही है। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, समझ के देखिएगा, नहीं समझ में आए वीडियो को दोबारा देखिएगा कि मैंने किया क्या है। और गाइडलाइन जो है ये यहाँ से बनती है, देखिए आप यहाँ से खींचोगे ना, ये खुद ब खुद गाइडलाइन बन जाएगी। गाइडलाइन इसलिए होती है ताकि आपका जो है काम, आपका जो डिज़ाइन है, लोगो है, ये परफेक्ट बने, बैलेंस में रहे, बैलेंस आउट ना हो। क्योंकि आप अगर ये नहीं होंगी गाइडलाइन, तो आउट अगर हो भी जाएगा तो तस्वीर जो है, फोटो आड़ी टेढ़ी बनेगी, मतलब बैलेंस नहीं सही नहीं रहे। जैसे जगह यहाँ थोड़ी कम बढ़ जाएगी, यहाँ पे ज्यादा बढ़ जाएगी, वो अजीब सा हो जाएगा टेढ़ा। तो आपको ये नहीं करना, आपको गाइडलाइन यूज भी करनी चाहिए, सही है। दूसरी बात ये है कि मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि अगर मैंने इस वीडियो में कोई गलती करी है ना तो मुझे बताइएगा, वरना अच्छी बनी वीडियो अच्छी लगी मेरी तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।